नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। जम्मू कश्मीर में पदस्थ डीएसपी दविंदर सिंह को आतंकवादियों के साथ पकड़े जाने को लेकर सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया और कहा कि एक बड़ी खुफिया विफलता का मामला है। इस पर कई सवाल उठ रहे हैं, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। भोपाल में एमपी सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों ने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बंगले पर धरना दिया। आपको बता दें, कर्मचारी 10 माह से वेतन नहीं मिलने से नाराज है। बुरहानपुर के चांगड़ गांव में चलती कार में अचानक आग लग गई, जैसे जैसे ड्राइवर ने खुद की जान बचाई। आपको बता दें कि कार सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के भतीजे की थी। कई मामलों में फरार जीतू सोनी और अन्य पर पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह मामला बार डांसर को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए दर्ज किया गया है। मामला 3 साल पहले का है। पुलिस ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होने पर होने के आरोप में तत्कालीन थाना प्रभारी और जांच अधिकारी पर भी कार्रवाई हो सकती है। ग्वालियर में युवती और युवक को घायल हालत में अस्पताल लेकर पहुंची युवती। बताया जा रहा है कि मुरैना का युवक अभिषेक रावत कोर्ट में पेशी के लिए आया था, फिलहाल जख्मी होने की वजह से खुलासा नहीं हो सका। युवक का इलाज जारी है। धार में सीए के समर्थन में भारत सुरक्षा मंच के बैनर तले एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में सभी समाजों के लोग सहित बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। मंदसौर में अवैध कब्जों पर हो रही प्रशासन की कार्रवाई पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन कोर्ट के स्टे ऑर्डर का सम्मान नहीं कर रहा, मनमर्जी से कार्रवाई कर रहा है। हालांकि प्रशासन अपनी कार्रवाई को सही ठहरा रहा है। नरसिंहपुर में 2 दिन में नर्मदा में दूसरा हादसा हो गया। साईखेड़ा थाना के सोकलपुर घाट में नर्मदा नदी में युवक डूब गया। बताया जा रहा है कि युवक महाराष्ट्र से मजदूरी करने आया था। जबलपुर में हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता के नियम को चुनौती दी गई है। सालाना 10 लाख आय की बाध्यता को वकील फूलचंद पालीवाल ने याचिका दायर कर चुनौती दी है। मामले में हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। अंबिकापुर नगर निगम की पहली मेयर इन काउंसिल की बैठक राजमोहिनी देवी भवन से आयोजित हुई। इस बैठक में महापौर डॉक्टर अजय तिर्की, निगम की 11 MIC सदस्य समेत निगम प्रबंधन से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में सरकारी अस्पताल के ओपीडी में सुबह शाम लगने का डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। आपको 2 शिफ्ट में ओपीडी सेवा शुरू करने को लेकर सूरजपुर, कोरबा और महासमुंद में हड़ताल की गई, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हड़ताल का असर महासमुंद जिले में भी देखने को मिला। जिले के जिला अस्पताल सहित विभिन्न सरकारी अस्पतालों के करीब 50 चिकित्सकों ने ओपीडी का बहिष्कार किया है और केवल इमरजेंसी सेवा ही दे रहे हैं। ऐसे में 16 तारीख से डॉक्टर ने इसका भी बहिष्कार करने की बात कही है। बेमेतरा में भी सरकार के 2 पालियों में ओपीडी सेवा करने के विरोध में डॉक्टर्स ने हड़ताल की, जिससे जिला अस्पताल में सन्नाटा पसरा रहा। रायपुर में नाबालिग से रेप के आरोपी ओपी गुप्ता को जेल भेजा गया। आपको बता दें, ओपी गुप्ता को 15 दिन के न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। गुप्ता पूर्व सीएम रमन सिंह के ओएसडी रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत की सुरक्षा पूरी तरह से हटा दी है। चुनाव हारने के बाद भी उन्हें 2 PSO की सुरक्षा प्राप्त थी। 3 दिन पहले दोनों PSO को भी सरकार ने वापस बुला लिया। आपको बता दें, मूणत करीब 2003 से 18 तक 15 साल तक राज्य मंत्री रहे। उनकी गिनती भाजपा के कद्दावर नेताओं में होती है। बेमेतरा पुलिस चिटफंड कंपनी निर्मल इंफ्रा होम कॉरपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर्स को भुवनेश्वर ओडिशा से गिरफ्तार कर बेमेतरा लाई है। उन पर आरोप है कि जिले में निवेशकों से लाखों रुपए का निवेश कराकर कंपनी बंद कर साल 2017 से फरार थे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान 22 जनवरी को सीए के समर्थन में राजधानी रायपुर में आमसभा को संबोधित करेंगे। वो इस कानून के बारे में लोगों को बताएंगे। आपको बता दें, केंद्रीय नेतृत्व ने इस कानून को बताने के लिए बीजेपी के कई बड़े नेताओं के दौरे प्रदेश में तय किए हैं। इस क्रम में 19 जनवरी को केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी कांकेर में सभा लेंगे। जबलपुर दंतेवाड़ा मार्ग की खस्ता हालत को लेकर SDMGS पर काम CSFP हेमराज सिदार ने स्थानीय लोगों के साथ वार्ड समस्याएं जानी। आपको बता दें, जगदलपुर दंतेवाड़ा मार्ग की खस्ता हालत को लेकर मंगलवार को लोगों ने चक्का जाम किया। इसके बाद अफसरों ने लोगों से मिलकर समस्याएं सुनी। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी महीने तय हो जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की स्थिति यह है कि राज्य में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कब कराया जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष किसे चुना जाएगा, पार्टी लगातार हार के बाद ये नहीं समझ पा रही है कि प्रदेश अध्यक्ष किस वर्ग का चुना जाए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्रियों में से एक TS सिंहदेव का दूसरा रूप शायद ही आपने देखा होगा, लेकिन सोशल मीडिया में वायरल उनकी कई तस्वीर और वीडियो ने उनके मौज मस्ती वाले मूड को भी सामने ला दिया। दरअसल सिंहदेव मंगलवार को परिवार के साथ सैर सपाटे के लिए मैनपाट पहुंचे थे। कोरबा के बालकुनगर में घर से युवक की लाश मिली, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई। घर वालों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।
प्रदेश में कांग्रेस नगरीय निकायों में मिली जीत को लेकर रायपुर में सभी नगर निगमों के महापौर, सभापति, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्षों को सम्मानित करने जा रही है। सम्मान समारोह को कांग्रेस एक तरह से अपनी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन दिखाई। निर्भया दोषियों की फांसी टल गई है। आपको बता दें 22 जनवरी को दोषियों को फांसी होनी थी। निर्भया के दोषियों की फांसी 22 जनवरी को होना मुश्किल है, जिसे लेकर रायपुर के युवाओं में नाराजगी है। लोग चाहते हैं ऐसे कृत्य करने वाले अपराधियों को तत्काल फांसी की सजा दी। सतना में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां तेज रफ्तार कार ने स्कूली बच्चों को टक्कर मार दी, जिससे 6 बच्चे घायल हो गए। बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंडला में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बच्चे की मौत की जांच के कलेक्टर ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। शिवपुरी के अमोला में बारिश से बचने के चक्कर में महिला की जान चली गई। दरअसल बारिश से बचने के लिए महिला कंटेनर के नीचे बैठ गई। ड्राइवर ने बिना देखे गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिससे महिला की मौत हो गई। जबलपुर हाईकोर्ट नगरीय निकायों के परिसीमन को लेकर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से तत्काल जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा 22 जनवरी को जवाब पेश करें। नरसिंहपुर के किसानी वार्ड में सुबह पानी भरने को लेकर नगर पालिका के प्राइवेट कर्मचारी को जमकर पीट दिया। दरअसल किसानी वार्ड में लगी मोटर खराब होने से वाटर सप्लाई बंद हो गई, जिसके चलते नगर पालिका ने पानी टैंकर यहां भेज पानी सप्लाई कराई और उसके साथ कर्मचारी ड्यूटी पानी के वितरण में लगाए गए। इसी दौरान वार्ड के 2 लोगों ने पहले पानी भरने को लेकर कर्मचारी के साथ मारपीट की। सीएम कमलनाथ ने एसिड की खुले में बिक्री पर नियंत्रण को जरूरी बताया। एसिड अटैक की घटनाओं की रोकथाम के लिए इसे जरूरी निर्देश उन्होंने अफसरों को दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद मंत्री जीतू पटवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बैठक हुई। बैठक में कर्ज माफी के तीसरे चरण को लेकर भी चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। सत्र में संविधान के 126वें संशोधन का अनुसमर्थन प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। साथ ही एससी एसटी का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। राजनांदगांव में टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ हुई। टोल प्लाजा के बैरियर और सामानों की भी तोड़फोड़ हुई। इस दौरान पुलिसकर्मियों को भी चोट लग गई। कोरबा में शहरी सत्ता संग्राम के बाद अब पंचायती राज की लड़ाई है। शहरी राजनीतिक उठापटक के बाद गहमा गहमी का माहौल पंचायत चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। नेताओं को ग्राम चुनाव के लिए जिम्मेदारी दी गई है। जिला और जनपद ही नहीं, अब सरपंच और पंच पद के लिए भी भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच द्वंद्व छिड़ गया है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। जयपुर में बस्तर जिला ओलंपिक संघ के बैनर तले आगामी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी अंतिम चरण में। रायपुर सहित प्रदेश में पारा चढ़ा है, जिसके कारण ठंड थोड़ी कम हुई है। वहीं औसत तापमान 2 डिग्री बढ़ा है। राजधानी रायपुर का औसत तापमान 13.7 डिग्री है, लेकिन तापमान बढ़कर 15.8 डिग्री हो गया। वहीं अधिकतम तापमान 28.4 से बढ़कर 30 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण विंड पैटर्न चेंज हुआ है, जिसके कारण 4-5 दिनों से तापमान में बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने फिर वास्तुदोष की आशंका जताई है। भार्गव ने कहा कि मौजूदा विधायक का निधन चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों पर मानसिक और शारीरिक तनाव तेजी से बढ़ रहा है। वहीं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जवाब में कहा कि अगर विधानसभा में वास्तुदोष है तो उसे दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई। विशेष सत्र के पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बंगले पर आज डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिली, यानी सिंधिया समर्थक मंत्रियों का एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी होगा। वहीं डिनर को लेकर बंगले पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सीएम कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अब पान के किसानों को राहत राशि मिलेगी। वहीं फसलों की बर्बादी पर मुआवजा राशि को बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री सहायता कोष की राशि भी बढ़ाई गई है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में प्रदेश के विकास और जनता से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निवाड़ी जिले के नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज विशेष सत्र बुलाया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से पहले ही बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया। अजीत जोगी ने भी विधानसभा से वॉकआउट किया। एक दिन के लिए बुलाया गया था विधानसभा का विशेष सत्र। नेता प्रतिपक्ष ने इस एक दिन के विशेष सत्र का विरोध करते हुए इसे संसदीय परंपरा के खिलाफ बताया और पूरे विपक्ष ने वॉकआउट किया। विपक्ष का कहना है एक साल में राज्यपाल का 2 बार अभिभाषण नियमों के खिलाफ है। मध्य प्रदेश में 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान भोपाल पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है, जहां बाइक सवारों को हेलमेट नियम का उल्लंघन करने वालों से 100 शब्दों का निबंध लिखवाया जा रहा है। निबंध का विषय है, मैंने सवारी करते हुए हेलमेट क्यों नहीं पहना था।
सतना में चरकी घाटी में बड़ा सड़क हादसा हो गया, यात्रियों से भरी बस खाई में जा गिरी जिसमें 16 यात्री घायल हो गए जिसमें 3 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं 2 लोग काफी देर तक बस में ही दबे रहे। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और यात्रियों को किसी तरह निकाला गया। अच्छी बात यह है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं। होशंगाबाद में रेलवे की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मालगाड़ी के ऊपर चढ़ी महिला आ गई। कड़ी मशक्कत के बाद कर्मचारियों ने महिला को उतारा। बताया जा रहा है कि रेलवे लाइन में हाथ लगने के कारण यह हादसा हुआ। महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं। राजगढ़ में एक होटल के स्टोर रूम में आग लग गई। खबर लगते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि अब तक आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। आपका स्वागत है बुलेटिन में, आगे बढ़ेंगे। ग्वालियर के झांसी रोड थाना में लभेड़पुरा में हवलदार के बेटों की गुंडागर्दी देखने को मिली। पुराने रंजिश के कारण पड़ोसी की बाइक पर अपना गुस्सा उतारा और लाठी डंडों से तोड़फोड़ की। वहीं दौरान पीड़ितों ने किसी तरह छुपकर अपनी जान बचाई। इस मामले में 2 आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया। धार के सागौर थाना इलाके के पिपलिया के पास बदमाशों ने एक सर्राफा व्यापारी से 10 लाख रुपए की कीमत के सोने और चांदी के जेवरात लूट लिए और मौके से फरार हो गए। बदमाश ने कार में तोड़फोड़ भी की और चंदन सोने की पिटाई भी की। पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुट गई है। भिंड जिले के मेहोना निवासी एक युवक का मुंबई में फर्जी खाता खोलकर उसमें 1,32 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांजैक्शन किए जाने का मामला सामने आया है। रवि गुप्ता नामक युवक को इस बात की जानकारी तब लगी जब उसके मेल पर इनकम टैक्स द्वारा 3,39,00,000 रुपए टैक्स जमा करने का नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया। अब ये युवक इधर से उधर चक्कर काट रहा है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। दमोह में एक बड़ा हादसा चल गया। क्रॉसिंग के दौरान अनियंत्रित होकर एक यात्री बस पलट गई। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि की खबर नहीं मिली। बताया जा रहा है कि ये बस इंदौर के अजयगढ़ जा रही थी। इस दौरान हटा थाना क्षेत्र के गुजरिया के पास हादसे का शिकार हो गई। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने फिल्म तानाजी के 4 शो फ्री कर दिए। गोपाल भार्गव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सागर के गढ़ाकोटा के गणेश टॉकीज में आप फ्री में फिल्म देख सकते हैं। उन्होंने लिखा कि ये फिल्म राष्ट्रभाव से उत्पन्न है। गुना के कैंट थाना क्षेत्र स्थित कृषि उपज मंडी में अज्ञात बदमाशों ने देर रात तकरीबन 13 से अधिक संस्थानों के ताले चटका दिए। चोरी की इस वारदात के बाद जहां व्यापारी काफी आक्रोशित हैं तो वहीं पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। चोरी की वारदात उस वक्त हुई जब मंडी परिसर में 40 से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था। नरसिंहपुर में नर्मदा में डूबे बच्चों की तलाश अब तक नहीं हो सकी है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू अभियान जारी है। कल नहाने के दौरान 5 बच्चे घाट पर डूब गए थे जिसमें से 3 बच्चों को रेस्क्यू किया गया जबकि 2 का अभी तक पता नहीं चल सका है। ऋतु कौरव और अभिराज कौरव की तलाश में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। जबलपुर नगर निगम के वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया पर सियासत शुरू हो गई है। जिला प्रशासन की ओर से जबलपुर नगर निगम के 79 वार्डों को बढ़ाकर 82 किए जाने को लेकर हो रहे परिसीमन को भाजपा ने गलत ठहराया है। भाजपा की ओर से इस आशय के साथ एक आपत्ति भी जिला प्रशासन में दर्ज कराई गई है जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि वार्डों का विस्तारीकरण राजनीति से ओतप्रोत है। छतरपुर को माफिया मुक्त बनाने के लिए बनाई गई एंटी माफिया टीम की कार्रवाई नाकाफी साबित हो रही है। गौरतलब है कि जिले में चल रहे अवैध रेत उत्खनन परिवहन और अतिक्रमण को हटाने जिला प्रशासन ने एंटी माफिया टीम तैयार की थी जिसके बाद छतरपुर में कई जगह प्रशासन की ओर से ऐसी जमीन चिन्हित की गई है जहां भूमाफियाओं की ओर से अतिक्रमण किया गया। रतलाम में वीर सावरकर कॉपी बांटने के मामले में प्रिंसिपल के निलंबन का विरोध जारी है। रतलाम और खाचरौद रोड को छात्रों ने जाम कर दिया। एबीवीपी ने कलेक्ट्रेट में निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सूरजपुर में जिला अस्पताल के चिकित्सक पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है और मरीजों की परेशानी बढ़ी हुई है। एक और जिला अस्पताल सूरजपुर में चिकित्सीय सुविधाओं की कमी है के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं चिकित्सकों की हड़ताल मरीजों को परेशान कर रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त प्रदेश के सभी 5 संभागों का दौरा कर रहे हैं जिसमें से बस्तर और रायपुर संभाग का दौरा पूरा हो चुका है। अब 17 जनवरी को दुर्ग संभाग के दौरे पर ठाकुर राम सिंह रहेंगे। वहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कमिश्नर आईजी और एसपी कलेक्टर्स के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाता 4 रंग के मतपत्रों का इस्तेमाल करेंगे। पंच पद का मतपत्र सफेद, सरपंच पद का मतपत्र नीला, जनपद पंचायत सदस्य का मतपत्र पीला और जिला पंचायत सदस्य का मतपत्र का रंग गुलाबी होगा और इन सभी 4 पदों के लिए करीब 5 करोड़ मतपत्रों को छपवाया जा रहा है। कवर्धा में गांव की सरकार बनाने के लिए घमासान जारी है। प्रत्याशी अपने अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। वे खुद को
दूसरे प्रत्याशी से बेहतर बताने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हालांकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पार्टी ने सभी प्रत्याशियों को अधिकृत नहीं किया है। चुनाव प्रचार के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में त्यौहार के जैसा माहौल है, कहीं पर राउत नाचा, कहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम तो कहीं पर लोक रंग की छटा बिखेरी जा रही है। प्रत्याशी ग्रामीण मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्रत्याशी तो दो कदम आगे आकर घोषणा पत्र भी जारी कर रहे हैं। रायगढ़ में एक प्रेमी ने मोबाइल टावर में चढ़कर प्रेम का इजहार किया। टावर में चढ़कर अपनी प्रेमिका से कह रहा था कि तुम नहीं मिली तो कूद के जान दे दूंगा। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना 112 को दी। इस प्रेमी का नाम पुरुषोत्तम भारद्वाज बताया जा रहा है। काफी मशक्कत के बाद प्रेमी को पुलिस ने 100 फीट टावर से नीचे उतारा। रायपुर में अवैध शराब की शराब पर डीजीपी सख्त हो गए। अवैध शराब के मामले में 24 घंटे के अंदर रायपुर रेंज के आईजी को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। रायपुर रेंज में अवैध शराब पर निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सीएम भूपेश बघेल की सीट पर आईपैड लगाने का विपक्ष ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मॉनिटरिंग हो रही है, गर्भगृह में डिवाइस का उपयोग नहीं किया जा सकता। पेपरलेस सिस्टम लागू करने के लिए आईपैड लगाया गया है। बढ़ते हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई, जिसके बाद आईपैड निकाला गया। कोरबा में सरकार के आदेश का विरोध हो रहा है। प्रदेश भर के डॉक्टर्स ने 2 शिफ्ट में ओपीडी सेवा शुरू करने का विरोध किया, जिसके बाद इमरजेंसी सेवा ठप हो गई। सभी सरकारी अस्पताल के सामने विरोध कर रहे हैं। गुना में कृषि उपज मंडी में चोरी का मामला सामने आया है, जहां एक साथ 10 संस्थानों के ताले टूटे मिले। संजीव ट्रेडर्स समेत अन्य संस्थानों के ऑफिस में 5 नकाबपोश बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस की रात्रि गश्त पर सवालिया निशान उठने शुरू हो गए हैं। व्यापारियों ने आरोपियों को पकड़ने की मांग की। रायसेन के किसान ने एक ऐसी मशीन का ईजाद किया है जो खेतों में खाद डालने का काम आती है। जी हाँ, कक्षा 11वीं पास छात्र ने मात्र 300 रुपए की लागत से देसी जुगाड़ मशीन का आविष्कार किया। किसान ने बताया कि फसलों में खाद डालने में काफी दिक्कत होती थी, झुककर खाद डालने में कमर में दर्द होता था, साथ ही पत्तियों में खाद पड़ने से पत्तियां भी गल जाती थी। इस मशीन के आविष्कार के बाद अब खाद फसल के नीचे हिस्से में गिर रही है। न्यूज 18 में छत्तीसगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कबाड़ हो चुके 108 एम्बुलेंस की बजाय अब जल्द ही नए एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़ते दिखेंगे। 26 जनवरी के आसपास 120 नए एम्बुलेंस और मार्च तक करीब 300 नए एम्बुलेंस प्रदेश की सड़कों पर होंगी। खराब हो चुके एम्बुलेंस के कारण प्रदेश में इमरजेंसी का हाल बुरा होने की खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी। इसके बाद स्वास्थ्य अमला हरकत में आया। छत्तीसगढ़ में संविलियन से वंचित शिक्षा कर्मियों के सामने वेतन के लाले पड़े हुए हैं। 2-2 महीनों से बहुत सारे शिक्षा कर्मियों को वेतन नहीं मिल पाया है, जिससे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं सभी शिक्षक। प्रदेश के अधिकांश ब्लॉक में इस तरह की समस्या है। सभी का नवंबर का वेतन भी नहीं मिल पाया है, जिससे शिक्षा कर्मी परेशान है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।